जहां जहां गुल सारे मिलत जा रहे हैं, जहां गुल सारे मिलत जा रहे हैं, जहां गुल सारे मिलत जा रहे हैं, सच्चा मसलक अहमद रजा खान है, सच्चा मसलक अहमद रजा खान, मेरे गुलजार ये फरमा रहे हैं, मेरे गुल रहे फरमा रहे हैं, जहां गुल सारे मिलत जा रहे हैं, है मेरे सामने गुलजार मिलत, है सबके सामने गुलजार मिलत, है मेरे सामने गुलजार मिलत, मुझे मुश्किल को शायद मुश्किल को शायद रहे हैं, मुझे मुश्किल को शायद रहे हैं। और एक शेर और एक शेर और एक शेर और एक शेर अभी 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 कुछ महीनों या कुछ साल कब्ल एक बच्ची छोटी सी जिसकी आंखों से कंकर निकलते आंखों से जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को इकट्ठा किया ये मैं इस वजह से कह दे रहा हूँ ताकि बहुत कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह अरे अरे बहुत कसीर तादाद में माशाल्लाह खानकाह जैसे सैकड़ों लोग रहते ही हैं तो बाकायदा तौर पे उसके वालिद इतने ढेर सारे पंद्रियों बीसों किलो वो पत्थर इकट्ठा करके लेकर के आए थे जो उसकी बेटी के आंखों से निकले थे और उसका पीस ऐसा नहीं था कि वो चने के बराबर हो या कौड़ियों के बराबर हो बल्कि 100-100 ग्राम का आंखों से न जाने कई गुना साइज में बड़ा वो पीस होगा करता था। माशाल्लाह सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला वारदाना के सदके में और मशाइख मसौली शरीफ के फैजान से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आंखों से वो पत्थरों का आने जाने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म। अब मुझे नहीं पता कि आगे आगे क्या बात है कहना, लेकिन वो जो हाँ चंद माह पहले तेलंगाना से वो आई हुई बेटी थी जिसके बारे में बहरहाल ये बहुत आम तौर पे चीजें हैं और बहुत हैरत में डाल देने वाली ये बातें थी, ख्याल से बहुत दूर फिक्र से बहुत दूर ये चीजें थी जो सोचने पर मजबूर कर देती कि आंखों से बड़े बड़े पत्थर का निकलना कैसे हो सकता है मुहाल।
लेकिन ये मुमकिन था, पॉसिबल था, ये हो रहा था। उसके वालिद खुद बहुत ढेर सारी और मुश्किल से मुझे लगता है एक आठ से साढ़े आठ आठ और नौ साल की वो दोषिता रही बच्ची। और जब वो पत्थर निकलते थे आंखों से तो मूसलाधार वो जो तकलीफ होती थी, आंख सुर्ख होती थी, खून के साथ वो पत्थर बाहर आता था। लेकिन अब करम हो गया, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी जगह हाजिर रहे और मुझे लगता है उन्हीं बड़ी बारगाहों के सदके में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गौसे आजम के तुफैल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ों का काम ही होता है गुनाहगारों का गुनाहों को अच्छे अंदाज में तलाफी का मौका मिल जाए, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सच्चों ने, अच्छों ने, बड़ों ने माशाल्लाह अपने फैज से फैजियाब फरमा करके और उसकी जान को बख्श दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मजीद अल्लाह ताला वो जहां भी रहे खुश रहे, ताहियात कैद उसको बहुत सारी रब्बे कदीर खुशियां अता फरमाए इंशाअल्लाह। जो निकले आँख से बची के पत्थर करम फरमा के ये लौटा रहे हैं, करम फरमा के ये लौटा रहे हैं। किसे लौटा रहे हैं? बच्ची को, जो निकले आँख से बची के पत्थर करम फरमा के ये लौटा रहे हैं। ये सब आले मोहम्मद का है सदका। अगले मिसरे पर खास तवज्जो। ये सब आले मोहम्मद का है सदका, ये जलने वाले जितना खा रहे हैं, ये जलने वाले जितना खा रहे हैं। मक्ता मोहब्बतों के साथ समाज फरमा लें। देखिए फरवरी महीने में 25 और 26 फरवरी इंशाल्लाह और उसे मसौली शरीफ में सब तशरीफ लाएंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलेंगे उर्स में हम भी मसौली, चलेंगे उसमें हम भी मसौली, मेरे गुलजार जो करवा रहे हैं, मेरे गुलजार जो करवा रहे हैं। अब मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा। मैंने कहा महीने फरवरी के आ रहे हैं। इसके बाद मजल के कहीं सुभान नहीं सादी इन्हें परवा किसी की, नहीं सादी इन्हें परवा किसी की, ये पैगाम रज़ा फैला रहे हैं, ये पैगाम रज़ा फैला रहे हैं। जहाँ गुलज़ारे मिल्लत जा रहे हैं, वहाँ फ़ैज़े रज़ा बरसा रहे हैं।